स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहां अपने मजेदार ट्विस्ट के चलते चर्चा में है, तो वहीं अब शो में कार्तिक का किरदार निभाने वाले एक्टर मोहसिन खान भी अपनी इस तस्वीर की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल पिछले दिनों कार्तिक कोलकाता की सड़कों पर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े नजर आए। अब जब मोहसिन की इन तस्वीरों और वीडियो पर उनके फैंस की नजर पड़ी तो सभी ये मान बैठे कि कहीं मोहसिन एक्टिंग से तौबा करके पॉलिटिक्स की दुनिया में तो नहीं पहुंचने वाले। दरअसल सामने आए इस वीडियो में मोहसिन जिस तरह से कोलकाता की सड़कों पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं, उसे देखकर तो फैंस यही कयास लगाने लगे। आपको बता दें कि मोहसिन के इन वीडियोस और तस्वीरों पर जैसे ही फैंस की नजर पड़ी, सबके बीच खलबली मच गई कि क्या वाकई मोहसिन एक्टिंग छोड़ने वाले हैं? क्या वो एक्टिंग छोड़ पॉलिटिक्स में कदम रखने वाले हैं? तो चलिए ऐसे में हम आपको इसके पीछे की पूरी सच्चाई बताते हैं। अब जैसा आप सोच रहे हैं, दरअसल वैसा कुछ नहीं होने वाला। असल में मोहसिन टीवी का पॉपुलर चेहरा है। ऐसे में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सजदा अहमद ने मोहसिन से एक कैंपेन करवाया और इसी सिलसिले में मोहसिन बीते दिनों कोलकाता पहुंचे। आपको बता दें कि मोहसिन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही अपने इस कैंपेनिंग की तस्वीरें और वीडियोस शेयर किए हैं। हालांकि फैंस थोड़ी असमंजस में पड़ गए थे, लेकिन अब हमारी बात सुनकर वो राहत की सांस ले सकते हैं। बात की जाए मोहसिन की तो आपको बताना चाहेंगे कि वैसे तो वो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सजदा अहमद के लिए प्रचार किया है, उसे देखकर लगता है कि सजदा के साथ मोहसिन का जरूर कोई रिश्ता हो सकता है। हो सकता है कि सजदा अहमद मोहसिन की कोई रिश्तेदार हो, जिसकी वजह से ही वो यूं उनकी पार्टी के प्रचार में शामिल हुए। तो अब ये तो साफ हो गया कि मोहसिन एक्टिंग छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन तो नहीं करने वाले। मगर फिलहाल मोहसिन के इन लेटेस्ट वीडियो और तस्वीरों पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।